हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है। इन यूजुअल नोटेशन सिग्मा डी इक्वल्स टू 25, डी स्क्वायर 272 एंड 100 एंड अज्यूम्ड मीन 4। अज्यूम्ड मीन मीन्स ए। अब जहाँ पर डी दिया हुआ है ना, ये शॉर्टकट मेथड होता है, ये आप लास्ट चैप्टर में भी सीख कर आए हो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जब भी आपको डी दिया हुआ हो, दैट मीन्स इन्होंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। सो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें अगर मीन कैलकुलेट करना हो एक्स बार, तो उसके लिए फॉर्मूला होती है ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। सो ए दैट मीन्स अज्यूम्ड मीन 4 दिया हुआ है, प्लस सिग्मा डी 25 डिवाइड बाय एन 100। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 25 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.25। सो टोटल हो जाएगा 4.25, ये मीन हो गया। अब उस मीन के बाद हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा, अगर डी दिया हुआ है दैट मीन्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर एंड रूट। नाउ सिग्मा डी स्क्वायर, वो दी हुई है वैल्यू 272 डिवाइड बाय 100 माइनस सिग्मा डी 25 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर रूट। सो 272 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2.72 आंसर आएगा, माइनस 0.25 स्क्वायर एंड रूट। सो आगे कंटिन्यू करेंगे हम, 2.72 माइनस अब 25 का स्क्वायर करेंगे 0.25, सो 0.25 का स्क्वायर करेंगे 0.0625 रूट। सो माइनस करेंगे 2.72 में से, 2.72 माइनस 0.0625, तो ये आंसर आ जाएगा 2.6575 तो ये हो जाएगा, रूट करेंगे तो 1.63। सो ये हमने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आगे और क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.63 डिवाइड बाय मीन, मीन हमने कैलकुलेट किया है 4.25 इनटू 100। तो 1.63 डिवाइड बाय 4.25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में आंसर 38.35%। सो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो ये स्टूडेंट्स हमने सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11 किया है, ये फर्स्ट पेज है, आप नोट डाउन कर लीजिए सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 11।
और ये ही इसका सेकंड पेज है यहाँ पर। नाउ आज का होमवर्क। सो होमवर्क में आपको करना है सेक्शन डी के सेम सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 12। ये सम आपको होमवर्क में करने हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये सम आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ सम नंबर 11 हमने किया, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या दिया हुआ है। सेम सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 80। सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, सो एंड 10 सम, दैट मीन्स सिग्मा एक्स 80 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 800। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दैट मीन्स सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 800। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमें सम दिया हुआ है, हमें उसका स्क्वायर्स दिया हुआ है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 80 डिवाइड बाय 10, तो एक्स बार हो जाएगा 8। नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, मैंने डायरेक्ट एन का वैल्यू रख दिया, एन कर देंगे इसे, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 800 डिवाइड बाय 10 माइनस 80 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर एंड रूट। सो फाइनली होगा 800 डिवाइड बाय 10 80 एंड 80 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। सो 80 माइनस 64 दैट इज रूट 16 और हो जाएगा 4। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट हमें कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सी वी, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, मीन 8 इनटू 100, तो आंसर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 8 परसेंटेज 50%। सो स्टूडेंट्स ये आपका आज सेक्शन डी कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको मैंने सम नंबर 11 एंड सम नंबर 13 करवाए हैं। सो ये सम नंबर 13 है, नोट डाउन कर लीजिए आप, और ये सम नंबर 11 ऑलरेडी हमने कर लिया है, और मैंने आपको होमवर्क दिया था 9, 10 एंड 12। सो ये आपका सेक्शन डी यहाँ पर पूरा हुआ।